धर्मेंद्र जी आप लाइव देखने आ गए। दीदी हम प्यार से दीदी कहते हैं। दीदी आइए आइए आप। नहीं नहीं हमने आपको इनवाइट कर दिया है। अब अभी हम दीदी आप अब जो धर्मेंद्र हैं वो आपको टेस्ट करेंगे। मैं अभी तो मेरा टेस्टिंग ही चल रहा है। अब एक एक करके सब जानना चाहते हैं और अब बोर्ड नहीं है, अब पर्ची है। एक काम करते हैं, अब आपके साथ कुछ अलग ही करते हैं। आप दोनों के साथ मेरा मेरे पास कुछ लिखने के लिए है ना, ये मेरे पास पेन है, मेरे को कागज दे, मेरे पेन है। मैं अभी है ना जनता का, हमारी जो जनता यहाँ बैठी उनका थोड़ा माइंड रीड कर रही हूँ। तब तक मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रही हूँ। सवाल क्या पूछो आप बताओ भाई, जल्दी जल्दी। अब आपके पास वक्त की कमी है। कितना पैसा उनके पॉकेट में, कितना पैसा धर्मेंद्र के पॉकेट में, कितना पैसा है? ठीक है, धर्मेंद्र को भी पता है कि नहीं है। देखिए अभी हम जैसे अभी ऐसा हुआ था कि आप बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ और मैं अकेली हूँ जिसको वो बातें पता चल रही है। इस बार हम अलग करेंगे। आप वो बात सोचेंगे, यू विल पहले तो सवाल डिसाइड कर लो। मैं एक अलग तरीके से करने वाली हूँ यही सवाल। अरे पर इनको पता नहीं ना कितना पैसा है, आपको पता है? या तो कोई भी नंबर बना दो, किसे पता पता है कौन से कलर का सॉक्स पहना है। तुमको क्या उनके कपड़ों के अंदर की फैंटेसी चल रही है? हाँ जल्दी जल्दी पूछो क्या 2022 की बेस्ट मेमोरी क्या है। बड़ा सवाल है और इसका व्यक्ति हो सकता है, नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई वॉन्ट यू टू राइट इट ओवर हियर। मेरे को मत बताओ, किसी को मत बताओ, इनको बताना जरूरी है। बताता हूँ ठीक है। कैमरे को भी नहीं, बताना नहीं, लिखना है। हाँ लिखना है। कैमरे को भी, कैमरे को भी नहीं, कैमरे को बताओगे तो मैं देख लूंगी ना वहाँ पे वो कैमरे से चुपके से लिखना। मतलब मेरा नाम नहीं है कैमरे पर लिखा। हाँ सुहानी आप उधर देखो, मैं इधर। हाँ मैं आप लोगों का माइंड रीड करती हूँ। पर्ची तो आपने बोला पर्ची पे लिख के बताना है, मुझे बोल के नहीं बताना है। सुहानी इसमें हम जनता को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को। कर रहे हैं। अच्छा अभी करेंगे। लिख दिया है, लिख दिया अपने पास। कार्ड दो मुझे, ये कार्ड मेरे कार्ड तो दे दो यार। अच्छा वो हमने लिख दिया है, आप इधर दे दो मेरे कार्ड से। वो नहीं ये आप, मैं देख नहीं रही हूँ, उसको उल्टा करिए। आप शक मत करो मेरे पे, मुझे तो देखने दो। उनको भी दिखा दो आप। आइडिया लिखाने का यही है कि सबको दिखाना है। नहीं तो ये आप आंख बंद करो यार, क्या विश्वास ही नहीं करती लड़की। ट्रस्ट इश्यूज हो आपको लाइफ में? ना बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको तो टेस्ट करना है ना। और कैम 3 भी देख लो जल्दी, कैम 3 ठीक है। डन, खोल दूं? नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ अभी देख। देवेंद्र जी, धर्मेंद्र जी सॉरी, धर्मेंद्र द्विवेदी। हाँ मैं नहीं देख रही, देखो नीचे उल्टा है कार्ड, मैं वापस अंदर बीच में कहीं डाल दिया, मेरे को नहीं पता आपका कार्ड का है। हाँ ठीक है ठीक है। आपने सवाल क्या पूछा था? बेस्ट मेमोरी ऑफ 2022। बेस्ट मेमोरी ऑफ 2020 2020। अच्छा हाँ ठीक है 2022। यार ये तो अलग ही है ना, मेमोरी से मतलब है ना। बेस्ट मेमोरी, हाँ बेस्ट मेमोरी आपने इस पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, एंड आई हैव टू फिगर इट आउट। सबने देख लिया है? अच्छा तो सबको पता ही है, व्यूअर्स ने भी देख लिया है। मैं पर्ची पे लिखूं कैसे ही बताना है मुझे? नहीं पर्ची पे लिखो, एक और लेयरिंग ठीक है। आप इधर आ जाएंगे सर। अच्छा मुझे पहले से लिखना था ना, कोई बात नहीं लिखिए ना। बड़ा पहले बंद में सोचिए, ऐसे हाथ बाहर निकालेंगे। कोई बात नहीं सर ठीक है। तो ये जो चीज आप सोच रहे हैं पर्सनल चीज है, ऑब्वियसली पर्सनल है। अगर उसने मेमोरी की बात की तो पर्सनल है। ओह धर्मेंद्र, इन टर्म्स ऑफ ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, आपने किसी और का नाम नहीं लिखा है, कोई जगह का या कहीं और नहीं, ये खुद कुछ पर्सनल चीज है। करेक्ट, मैं उसी माने से पर्सनल बोली, इट्स समथिंग अबाउट यू। या तो आप कहीं गए, या तो मतलब आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपने कुछ खाया है बहुत अच्छा, कोई पार्ट मतलब कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आप सोच रहे हैं। करेक्ट, ये कुछ हीलिंग के बारे में कह सकते हैं ना, टाइप ऑफ हीलिंग है। धर्मेंद्र माइक माइक माइक। हाँ सर कह सकते हैं आप, बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है पर क्या आपको कोविड हुआ था? हाँ मुझे हुआ था। और जो आपका एक्सपीरियंस, बहुत लोगों को हुआ था, लेकिन अभी बहुत लोगों को हुआ होगा, बहुत कॉमन हो सकता है सबका ये जवाब देना, पर आप कुछ भी सोच सकते थे अभी? आप इस समय कुछ भी सोच सकते थे क्या? आपने कोविड रिकवरी के बारे में सोचा? करेक्ट, आपको कोविड हुआ था, कोई रिकवरी का जो आपका एक्सपीरियंस है? मैंने कोविड लिखा है।
कोविड लिखा है। रिकवरी का एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत पर्ची दिखाइए भाई, मेरे देश की जनता भी कार्ड दिखाइए। कार्ड तो अंदर का ढूंढना नहीं, कार्ड सबको पता है, ये पर्ची आप दिखा दीजिए। दैट्स व्हाट, अच्छा वो पर्ची, ये कैम 3 वो तो दिखा दिया मैंने, ये फोकस ये देखिए भाई, ये सुहानी से आप बता दीजिए देश की जनता को किधर, इधर बताना है। हाँ कैम 3 ये लिखा है उन्होंने, क्योंकि रिकवरी मैंने बोल दिया था तो मैंने कोविड खाली लिख दिया। वेरी गुड धर्मेंद्र, हमारी आदत पर्ची पे लिखने वाली है, नहीं तो मैंने वो इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मुझे बहुत लंबा कोविड हुआ था। तीन बार मैंने टेस्ट करवाया, तीन बार पॉजिटिव था और फर्स्ट टाइम में हुआ था, फर्स्ट वेव में, तो बहुत टेंस था मैं। जब नेगेटिव रिपोर्ट आई तो बहुत मेरे लिए रिलीफ देने वाला वो मोमेंट था, इसलिए मुझे याद है। वंडरफुल, थैंक यू धर्मेंद्र, कोविड सर्वाइवर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा कि आप उस रूम से चलकर हमें देखते हैं। धर्मेंद्र क्या आ रहा है, कितने मार्क्स दे रहे हैं? 100% 100% 10 में से 100% भाई, 10 में से 10 100%। थैंक यू सर, थैंक यू, 10 में से 10 थैंक यू धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जो है न्यूज रूम से चल के आए हैं, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है आजकल के बच्चों के लिए, अब सारे बच्चों के लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। क्यों भाई, तुम लोग हर 3-4 महीने में एग्जाम देते हो यार, मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है लाइफ में कि मुझे लाइफ में एग्जाम देना पड़ रहा है, मुझे हर 3 महीने में एग्जाम देते हैं ये लोग। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।